राजा ये जो शो है ये मेरी विश लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में था, और कोविड के बाद मुझे पता नहीं था ये शो कब आएगा, लेकिन यू नो सही समय पर सारी चीज़ें होती है ऐसा मुझे लगता है. अ टाइम हैज़ टू कम आई फील, और वैसा ही हुआ. मेरी एक फिल्म है चंद्रमुखी, एक मराठी फिल्म है जिसके गाने जो है वो इतने पॉपुलर हो गए, वायरल हो गए, और उसके बाद मुझे जब झलक दिखला जा ऑफर हुआ, आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि आज ना कहते कहते भी मैं अपना एक फ्लेवर पूरे स्टेज पर लेकर आ रही हूँ, अपना एक ऑडियंस है जो पूरे स्टेज पर लेकर आ रही हूँ, एंड आई एम परफॉर्मिंग फॉर माई ऑडियंस, यू नो, फिर वो महाराष्ट्र की हो या नॉन महाराष्ट्रंस हो. मुझे डांस करना बेहद पसंद है, मैं पागल हूँ डांस के लिए, और वही पागलपन मुझे यहाँ पर करने मिल रहा है. और क्या चाहिए, क्या कर रहा है, अच्छा वो क्या कर रहा है, अच्छा तो हमारा ना थोड़ा और धांसू होना चाहिए, अच्छा हमारा गाना अच्छा होना चाहिए, हमारे गाने पे ना ऑडियंस को गाना अच्छा लगना चाहिए, पॉपुलर गाना होना चाहिए. तो ये ना जैसे आप कॉम्पिटिशन में, मतलब एक तो क्या है कि झलक के सेट पे हर कोई जो आर्टिस्ट है एज अ कंटेस्टेंट, मुझे ऐसे लगता है हर किसी ने अपना अपना एक मुकाम बनाया है, हर किसी का अपना एक ऑडियंस है, हर किसी की फैन फॉलोइंग है, लेकिन जब सब लोग आज इस स्टेज पे आए हैं ना, ट्रस्ट मी सब लोग बच्चे बन गए हैं, और सबको इंटरेस्ट है कि कौन क्या पहन रहा है, कौन कैसे दिख रहा है, अच्छा तेरा ये हेयर बहुत अच्छा है, अच्छा ये मेकअप अच्छा लग रहा है, लिपस्टिक अच्छी लग रही है. तो मतलब ये लड़कियों में एटलीस्ट हम जैसी लड़कियों में तो बातें होती रहती है, मैं, रूबी, निया, शिल्पा, हम लोगों में ऐसी बातें होती रहती है, एंड हम एक दूसरे को काफ़ी एनकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और वही होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. सबको देखो कॉम्पिटिशन है, कभी ना कभी ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन आप अगर यहाँ पे रिश्ते बना लो, आप अगर आप यू नो एक एक क्या कहते हैं उसको, एक दोस्त बना लो तो ज़्यादा बेहतर है, एक कॉम्पिटिटर कम हो जाता है. यार मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि झलक दिखला जा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एंटरटेन कर सकूँ. मुझे डांस करना बेहद पसंद है, और मैं कौन से और कितने प्रकार के डांस कर सकती हूँ ये मुझे आपको दिखाना है, और झलक मुझे वो चांस दे रहा है, तो बस मैं एंटरटेन करती रहूँगी, आप एंटरटेन होते रहना. थैंक यू सो मच.